कर हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने देखा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपको मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल में और नए व्लॉग के साथ मैं आपको वेलकम करती हूँ। सॉरी, आज मेरी जुबान फिसल रही है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो आज है जुमेरात, तो आज का दिन बहुत खास और बहुत स्पेशल होता है। तो आज जुमेरात है, तो आज मैं और हमें हबीबा ने सोचा, हम वैसे भी मौजा पढ़ते हैं जुमेरात से आगे भी चलाते हैं, तो अब हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हम मौजा पढ़ाते हैं और आप देखिए अभी हमारे साथ इस चीज़ में शामिल हों और आप लोग भी दुआएं मांगें। आप कैमरे के उस तरफ बैठ के दुआएं मांगें और मौजा सुने मौला मुश्किल कुछ आका और स्टार्ट करते हैं। मैं मौजा पढ़ूंगी और आप लोग भी मेरे साथ इसमें शामिल होइएगा, आप लोग भी सुनिएगा और आप लोग भी दुआ मांगिएगा, मौला मुश्किल कुछ आप लोगों की भी परेशानियाँ दूर फरमाए और आपके मुराद पूरी हो। तो हमें भी लेने गई है, तो वो लेके जैसे आती है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। और ये देखें, ये जो आपकी बिस्मा शाह है ना, सो रही है, मगरिब होने वाली है और ये सो रही है। ये ऐसी करती है, सोई रहती है। ये उमे भी बाप स्टार्ट करने लगी है मौला मुश्किल कुशा का मौजा। मौजा दिखाओ, मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मौजा है, ठीक है। अब ये पढ़ेगी और हम बैठ के सुनेंगे और दुआ करेंगे। चलो स्टार्ट करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत गरीब था। वो लकड़ियाँ बेच कर अपने बाल बच्चों का कर सिगरेट को बुझाया और फिर सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए किया कि शायद अब की दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर फिर भी इसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सूख कर आधा रह चुका था। जब बाप को सिगरेट दिया तो इसने कहा, बेटी खुद आधा सिगरेट पी आई हो। कहा नहीं अब्बा जान, हम सारे घर कलेजी बोल रही थी। मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझा कर जलाने के लिए जाती थी कि शायद मुझे वो औरत कलेजी खाने के लिए दे दे। मगर इसने तो इतने पैसे नहीं हैं कि एक माचिस ही खरीदी जा सके। मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, बाबा जान कल जरूर कलेजी लाए। लकड़हारे ने दो दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा करके भेजूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। खड़े हैं सलाद और जमीन से चंद से संग्रीजे उठाकर कहते हैं कि संग्रीजे इसके हाथ में थे, इसने वो जेब में डाल लिए और घर चलाया। घर जा दरवाजे के पीछे छुपा रहा। बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है। करीम हमें बहुत कुछ देगा। लेकर एक कमरे में फेंक दिए। अली सुबह जब लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई। हीरा लेकर जौहरी के पास ले गया और जमीन खरीदी जहाँ मौला मुश्किल कुशा ने इसे सगड़ी दे दिए थे। सलाद इसने वहाँ एक नहायत ही शानदार महल बनाया जिसमें साइश की जिंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, अब मुझे पर महीने मौला मुश्किल कुशा का खत्म जरूर दिलाती रहना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं, हम रंग रंग की मिठाई पर खत्म नहीं दिलाते। वालदा खामोश रही। ना गई, इन्होंने कहा कि हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर और शहजादी तशरीफ लाई। इन्होंने सुना हुआ था कि एक लकड़हारा बहुत ही अमीर हो गया है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने देखा कि इसके गले में बहुत ही कीमत के मोतियों का हार है। के कुंडी से मेरा हार भी ले। इन्हें कुंडी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी को बुलाया गया कि अब हमने चोरी क्यों करनी।
करनी थी, लेकिन बादशाह को यकीन ना आया। इसी वक्त हुक्म दिया कि दोनों मान के घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। जब हम गरीब थे अब क्यों करनी थी। बादशाह किसी तरह ना माना लगा रहने ने कहा कि कहा अगर उनको कैद से रहा नहीं करें तो करेंगे तो मुझको भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरती गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और बेटी कैद में रहें और मैं घर में बैठूं। चनाचा लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मेरा मुश्किल गुजरा का खत्म दिलाती रही है। उन्होंने कहा नहीं। लकड़हारे ने कहा बस ये इसी कुताही की सजा है। गर्जी है कि तमाम रात तबाह करते रहे। और यही तो आलिम ख्वाब में देखा कि नकाब पोश तशरीफ लाए हैं सलात और फरमाते हैं कि तुम नज़र देने भी भूल गए थे, इसलिए तबेलाही का नजूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा मेरे पास नज़र देने के लिए पैसे मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से पाँच पैसे बरामद होंगे। इसकी श्रेणी मंगवा कर ख़त्म दिलाना तमाम मुसीबत टल जाएगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ अपना बिस्तर उठाया, पाँच पैसे बरामद हुए। कैद खाने के दरवाजे पर खड़ा हुआ कहा लड़के मुझे 5 पैसे की श्रेणी ला दे। इसने कहा बुरा कैदी हो गया है फिर भी श्रेणी खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि मेरा नौजवान बेटा मर गया है, वो रोता हुआ कैद खाने के दरवाजे से गुजर दी। इस पर मौलाना मुश्किल कुशा का खत्म दिलाया। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतने अफसरदा क्यों हो। इसने कहा मेरा नौजवान लड़का मर गया है और आज की शादी थी। लकड़हारे ने कहा कुछ श्रीनी से दी और कहा कि इसको पानी में हल करके लड़के के मुंह में डाल देना। चनाचा इस आदमी ने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा लड़के के हलक में उतरा, कलमा पड़ता हुआ उठ बैठा। कर हैरान हुआ, कहने लगा इस में जरूर कोई राज प्रसिद्ध है। इसी वक्त लकड़हारे को बुलाया गया। लकड़हारे ने रात का तमाम वाकया बादशाह के गुजार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ, अपना ताज उतार कर लकड़हारे के कदमों में रख दिया और कहा मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ, जब तक जिंदा होऊंगा आपकी खिदमत करूँगा। सलात ऐ लंगर दिया ए मजहर अजाइब पर हक तेरे फिदा, महरूम कोई आपके दर से नहीं गया। कीजिए दूरे मुराद अता हमको भी शाह। اللهم صل على محمد وعلى محمد پروردگار بدفیل اپنے حبیب مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی شیر خدا مشکل کشائے دو جہاں، جس طرح لکڑہارے کی مشکل کو حل فرمائے اسی طرح تمام مومنات کی دینی و دنیاوی آمین جائز حاجات کو برلا اور ہم दरस्ती ईमान और फलाह दारें। आमीन। अब हम दुआ करते हैं, हमने मौजा पढ़ लिया। आप लोग भी दुआ करें। आप लोगों ने भी मौजा सुना है तो आप लोग भी इस चीज़ में शामिल थे, तो आप लोग भी दुआ करें। अल्लाह पाक आप सबकी भी मुश्किल पेशा सबके हल करें। तो अब अजान हो गई है, अब जैसे अजान ख़त्म होती तो फिर हम आपको बताते हैं कि हमने क्या करना है। आने लगे अजान हो गई और हम लेट हो चुके हैं, अभी बात ही है तो ये हम चलाते हैं। आ जा बिबा बना रही है। कितने बन गए हैं? अब बन रहे हैं। जल्दी कर ला।
दो मैं जलाती हूँ। दूसरा अब ये दिए जल गए, अब हम टोफियां बांटने जाते हैं। टोफियां बांटने तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? फामा को बुरी बात, इधर इधर मुगल बात, बुरी बात, ड्रामे बात। कैसी हो? मैं कैमरा तोड़ रही हूँ। सारी आवाज लगाई भाभी, बहुत सी सारी आवाज लगाएगी, बच्चे आएंगे। आवाज लगाओ, ये वाला खोल दे। जितनी भी बाकी आवाज है तो बच्चा आए ना। आ गया। ओए बच्चे आवाज लगाओ। अपने घर चला गया। इन्होंने क्या प्लेटा लेके आओ, फिर आनगे। बालो कुड़ियो प्लेटा ले आओ। आपको मैंने आवाज लगाने को कहा है, आवाज लगाओ। आप ही को दे दो, आंटी को भी दी। आप ही को दो और दे दो बीबा। चलो मुक गई। फातिमा खरगोशों की तरह खाते हुए। मामा खरगोश जग रही हूँ। हमने दिए जला लिए, ठीक है। आज हमारे घर में क्या पका देखते हैं, आलू गोश्त और उबले चाल। अपने लिए प्लेट बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये मैं अपने लिए प्लेट बना के ले आई हूँ, और ये बिस्मा अभी तक सोई हुई है, और 7 बज गए हैं ना। हाँ 7 बज गए हैं। और फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं तक था, तो आज मेरा थी, तो आज हमने मौला मुश्किल को शाह का मौज़ा पढ़ा, पंचतन के दिए जलाए और चीज़ें बांट दी, ठीक है। तो हमारा व्लॉग आज यहीं तक था, तो उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और अच्छे से कमेंट करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिले। तो उम्मीद आज का आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, और हम सब के लिए दुआ करिए। बाय बाय।